हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, प्यार बना के रखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग की वजह से हम लोगों को भी सीखने को बहुत मिलता है। आप लोग के क्वेश्चंस की वजह से हम लोग और रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमको और मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। वही चीज़ मैं बांट रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए, कमेंट्स करिए, अच्छे कमेंट्स करिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो डायरेक्टली मेरे को फ़ोन करिए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर कमेंट्स सही नहीं होते हैं तो उससे मेरे को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। आपके अच्छे कमेंट्स से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है नए नए वीडियोस आने के लिए। तो आज हम लोग देखिए बात करेंगे, एक बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे लिक्विड हैंड वॉश है, लिक्विड डिटर्जेंट है, वॉशिंग पाउडर है हम लोग बनाते हैं, डिश वॉश लिक्विड है हम लोग बनाते हैं, इसमें आला जैसा फैब्रिक सॉफ्टनर आता है, फैब्रिक ब्राइटनर आता है, ग्लास क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, टाइल क्लीनर है ना, बहुत सारे ऐसे जो क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हाउस क्लीनिंग हाउस कीपिंग प्रोडक्ट्स में आपके यूज़ होते हैं। तो इसकी मेरे पास सभी तरीके की रेंज मिल जाती है, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट क्वालिटी भी। ये मार्केट में देखिए तीन सेगमेंट हैं, हर जगह देखेंगे आप। एक सबसे लोएस्ट सेगमेंट चलता है, एक मिड क्लास मिडिल सेगमेंट का चलता है प्रोडक्ट, एक होता है हाई कस्टमर्स हाई सेगमेंट के लिए होता है। तो ये तीनों सेगमेंट के हिसाब से मेरे पास क्वालिटी मिल जाएगी। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट करें इन्हीं में से किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो आप हमसे कॉल करके ये बात बोल सकते हैं कि सर मुझे को मिड सेगमेंट में जाना है तो उसके हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, मुझे हाई सेगमेंट में जाना है मुझे इसके हिसाब से प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए, मुझे लो सेगमेंट में जाना है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट और उसकी कॉस्टिंग और उसको सब कुछ बता दीजिए। तो आप मेरे से कॉल करके पूरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को समझ सकते हैं कि अगर नया व्यापार शुरू करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग रखी जाए, बनाने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बेचने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या होना चाहिए, रिटेलर प्राइस क्या होना चाहिए, एमआरपी क्या डिसाइड करें, किनको बेचें, मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर लो सेगमेंट का प्रोडक्ट बनाते हैं और किसी हाई सेगमेंट के बंदे को दे देंगे तो वो भी आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको हर चीज़ बाइफरकेट करनी होती है, तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है क्लीनिंग से रिलेटेड मार्केट में लॉन्च करना है, डेवलप करना है, उसकी बॉटल्स चाहिए, लेबल चाहिए, उसके गत्ते चाहिए, उसका रॉ मटेरियल चाहिए, या कैसे बनता है ये जानना है, या अपने आप बनाना चाहते हैं तो उसके केमिकल्स चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मेरे यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छे प्राइजेस पे हम लोग चीज़ों को सेट कर लेते हैं, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी मीडियम क्वालिटी तीनों क्वालिटी हम लोग आपकी सेट करवा देंगे। जिसको बेचना है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, उस सेगमेंट के बारे में पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कमेंट ज़रूर करिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए। देखिए क्या है कि फ़ोन पे हर समय हो सकता है मैं अवेलेबल ना हो, और कई बातें ऐसी होती हैं कि जो फ़ोन पे डिस्कस नहीं हो सकती है, या तो उससे आप एक मीटिंग फिक्स करके हमारे ऑफिस आ जाइए, वहाँ पे हम लोग बैठ के आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनको व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप के थ्रू हम आपको कुछ जानकारी पहले देंगे। अगर आप ऑफिस आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विदाउट कई बातें ऐसी होती हैं कि आमने सामने बैठ के क्वालिटी के बारे में डिस्कशन होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं, जिसमें जब आप देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे दूसरे ब्रांड से जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपना प्रोडक्ट कैसे रखना है। सैंपल्स लेके आइए मेरे पास, बहुत अच्छा रहेगा, उस सैंपल से बेहतर सैंपल्स मैं आपके बनवा दूंगा। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मेरे पास सभी सेगमेंट्स बनाने का तजुर्बा है, लो से लेके हाई क्वालिटी हर एक प्रोडक्ट की बन सकती है, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो, चाहे वो हैंड वॉश हो, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे वो फिनाइल हो, कुछ भी हो, लेकिन डिस्कस करने से पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। देखो चूज करो, पहले सबसे पहले चूज करो मार्केट में बेचना कैसा है, किस रेट पे बेचना है, उसके बाद डिसाइड करो फिर कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ आपको मेरी नहीं समझ में आती है इसके बाद भी, तो देखिए बातचीत से ये सब चीज़ों का हल है, आप बातचीत करिए, जितना सीख सकते हैं मुझसे, मेरा जितना नॉलेज होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोग को दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों तक भी मेरी बात पहुँचाइए, ताकि उनको भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।